नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके कैंपस परिवार में। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को इस वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं उनके कर्तव्यों के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन, निर्वाचन की योग्यता, महाभियोग और पद रिक्तता से संबंधित बिंदुओं पर एक विस्तृत चर्चा की थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राष्ट्रपति और उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य। हम किन किन शक्तियों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, आइए उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें हम कार्यकारी शक्तियाँ यानी कि राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियाँ। फिर हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की, वित्तीय शक्तियों की भी बात करेंगे हम राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में भी बात करेंगे और इस वीडियो में हम सम्मिलित करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ भी। लास्ट में हम बात करेंगे सैनिक शक्तियाँ और उसके बाद फिर आपातकालीन शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ तीनों, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम राष्ट्रपति की वीटो पावर यानी कि जो वीटो शक्ति है राष्ट्रपति की, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अनुच्छेद 73 की यानी कि अनुच्छेद 73 की। अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ यानी कि जो संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 73 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन वह अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा? तो अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह यानी कि सहायता और मंत्रालय से करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद के गठन की, तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, जो उसको सलाह और मंत्रालय देगी। और उस जिसका हेड कौन होगा? तो जिसका हेड होगा प्रधानमंत्री, जिसका हेड होगा प्रधानमंत्री। हम बात करें अगर नियुक्ति संबंधित शक्तियों की, राष्ट्रपति नियुक्ति किन किन करता है, तो आइए उन पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करता है। और कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो हम आइए इन पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करता है। सबसे पहले दोस्तों, राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री की सलाह से वह मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को, वैसे तो एक कोलिजियम प्रोसेस है, और जब भी हम सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। भारत की न्यायवादी की नियुक्ति भी, भारत की महान्यायवादी कहेंगे यहाँ पे, कि भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत के राजदूतों और जो अन्य राजनयिक होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब हम बात करते हैं आयोगों के गठन की, कि राष्ट्रपति किन किन आयोगों का गठन करता है। तो दोस्तों, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए यानी कि उनके उत्थान के लिए आयोग की गठन करता है दोस्तों कौन? तो राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग की दशा है उनके सुधार के लिए आयोग की गठन करता है। राज्यभाषा पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्त आयोग की गठन करता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि वित्त आयोग का गठन किनके द्वारा किया जाता है? तो माननीय राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के समूह के लिए संयुक्त आयोग की गठन भी का आयोग का गठन भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को रिपोर्ट देने के लिए तथा राज्य में अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग की गठन भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियाँ की यानी कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है और उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं विधायी राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को नई लोकसभा के गठन के बाद संसद के प्रथम अधिवेशन को और प्रतिवर्ष होने वाले प्रथम अधिवेशन को संयुक्त रूप से अलग अलग संबोधित करने का अधिकार है। यानी कि प्रथम अधिवेशन जो होगा लोकसभा का गठन के बाद, वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा, और प्रतिवर्ष होने वाले जो प्रथम अधिवेशन होगा उसमें अलग अलग संबोधन देता है कौन? तो राष्ट्रपति देते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार है, लेकिन किनकी सलाह पर यानी किसकी सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 331 यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय कितने? दो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार, 331 के अनुसार, और अनुच्छेद 81 यानी कि 81 के तहत राज्यसभा में
12 कौन कौन से क्षेत्र के होते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। कई बार पूछा जाता है किस किस क्षेत्रों से राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। दोस्तों कला के होंगे, साहित्य के होंगे, पत्रकारिता के विद्वान होंगे, वो विज्ञान होंगे, विज्ञान के विद्वान होंगे, और सामाजिक कार्यों में एक पर्याप्त अनुभव और दक्षता यानी कुशल व्यक्ति होंगे जिनको जिन 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति को दो व्यक्ति, दो आंग्ल भारतीय व्यक्ति 331 के अनुसार अनुच्छेद लोकसभा में और राज्यसभा में 12 ऐसे अनुभव और दक्षता वाले कुशल व्यक्तियों की मनोनीत करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 81 के तहत। राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, OBC आयोग और SC/ST आयोग के प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाने का अधिकार है। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर दोनों संसद में मतभेद होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि संयुक्त अधिवेशन किन अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो दोस्तों साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर दोनों संसद में मतभेद होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ यानी कि जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर एक है दोस्तों कि न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, जब भी हम न्यायाधीश वाले चैप्टर को पढ़ेंगे वहाँ पर एक विस्तृत चर्चा उनके बारे में करेंगे। अभी हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ उनके कर्तव्य को पढ़ रहे हैं, तो हम पॉइंट वाइज उनको ऐसे पढ़ते चलेंगे, जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है, कहीं भी थोड़ी सी भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको थोड़ा ज़्यादा जानना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह आपको मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं हम न्यायाधीशों की नियुक्ति की। तो अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। परंतु वास्तव में जो नियुक्ति है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, वो कोलिजियम, यहाँ पे कोलिजियम एक प्रोसेस होता है जिनके थ्रू सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति यानी कि आर्टिकल 143 143 के अनुसार, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और आगे की परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। अनुच्छेद 143 क्या कहता है दोस्तों, तो किस राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु परामर्श जो मिले सर्वोच्च न्यायालय से वो उसे मान्य होने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति परामर्श देने के लिए भी बाध्य नहीं है। हम बात करते हैं क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ़ कर सकता है, परंतु इस संदर्भ में मंत्रिपरिषद की निर्णायक भूमिका होती है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह और मंत्रणा पर राष्ट्रपति आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ़ कर सकता है। अब किन किन सजाओं को माफ़ कर सकता है, आइए उन पर चर्चा करते हैं। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के मामले में यानी जो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड हैं उनके मामले में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। मृत्युदंड के आदेश को राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है उन सभी मामले में जिसमें दंड या दंड आदेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध हों या अपराध के लिए किया गया है, विधि के विरुद्ध अपराध के लिए किया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका का विस्तार नहीं है, उसके मामले में भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। अब राष्ट्रपति द्वारा दी गई सजा 5 प्रकार के निर्णय ले सकता है, कौन कौन से निर्णय हैं आइए उन पर चर्चा करते हैं। कई बार एग्जाम्स में यहाँ से पूछे गए हैं, खासकर UPSC और PCS एग्जाम्स में तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्षमा यानी कहते हैं जिसमें पूरी तरह से सजा को माफ़ कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो तो उसकी सजा को माफ़ कर दिया जाए, उसे मृत्युदंड ना दिया जाए, उसे फांसी ना दी जाए, तो उसे कहेंगे हम क्षमा कर देना, राष्ट्रपति ने उसे क्षमा कर दिया, इसे कहते हैं दोस्तों क्षमा की प्रकृति। दूसरा है दोस्तों लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, यानी कि सजा की प्रकृति बदल दी जाती है लघुकरण में। परिहार में दोस्तों सजा की प्रकृति को बदले बगैर उसे कम कर दिया जाता है, परिहार क्या होता है तो दोस्तों सजा की प्रकृति को बदले बगैर उसे कम कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं परिहार। और इसी तरीके से दोस्तों विराम, इसमें किसी विशेष तथ्य को देखकर सजा को कम कर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं विराम। अप्राविलंबन क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो दंड का आदेश होता है कि निष्पादन को ही रोक दिया जाता है उसे कहते हैं प्राविलंबन, दंड के आदेश के निष्पादन को ही रोक दिया जाना कहा जाता है राष्ट्रपति द्वारा प्राविलंबन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों सैनिक शक्तियों की यानी कि मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको पता होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको MCQ मिल सकता है कि तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, तो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है दोस्तों। दूसरे देशों के साथ युद्ध, युद्ध विराम तथा संधि व समझौते की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, तुरंत इन घोषणाओं को संसद द्वारा मंजूरी आवश्यक है।
हम बात करें अगर राजनयिक शक्तियाँ की यानी कि डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कौन होगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति होगा जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। अन्य देशों से भेजे जाने वाले राजदूत और जो उच्चायुक्त होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि किसी देश में भेजे जाने हैं कोई राजदूत या फिर उच्चायुक्त तो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे, तथा किसी अन्य देश से भारत में नियुक्ति पर आने वाले राजदूतों और उच्चायुक्त का अनुमोदन भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, यानी कि किसी देश के साथ अगर कोई समझौता हो रहा है और कोई संधि हो रहा है तो वहाँ पर जो निर्णायक भूमिका होगी यानी कि जो जिसके नाम से होने वाली है वो संधि होगी वो होगा राष्ट्रपति। हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियाँ की यानी कि फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, यानी कि जब तक राष्ट्रपति का किसी धन विधेयक या वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होगा वो लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वित्तीय अनुदान की कभी मांग भी नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 112 क्या कहता है दोस्तों, आइए उनको बात करते हैं। तो आर्टिकल 122 कहता है कि भारत सरकार का वार्षिक बजट और पूरक बजट लोकसभा में राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार का वार्षिक बजट या फिर पूरक बजट जिसे कहते हैं, पूरक बजट भी आता है तो हम पढ़ेंगे वहाँ पे बजट एक बार पढ़ेंगे। मैं बजट की टॉपिक एक बार लेके आऊँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी नई बजट आती है तो वहाँ से क्वेश्चंस हर बार खासकर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं तो हम उनकी चर्चा विशेष तरह से करेंगे। अगर हम आर्टिकल 280 की बात करें यानी कि आर्टिकल 280 की, तो तहत राष्ट्रपति केंद्र व राज्य में राजस्व वितरण करने के लिए हर 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग की गठन करेगा। यानी कि अनुच्छेद 280 कहता है कि राष्ट्रपति केंद्र व राज्य में राजस्व के वितरण के लिए हर 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग की गठन करेगा। भारत की आकस्मिक नीति पर नीति कोष पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, जबकि संचित नीति कोष पर दोस्तों संसद का नियंत्रण होता है। यानी कि भारत का जो आकस्मिक नीति कोष है वह राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है और जो संचित नीति कोष है वह संसद के नियंत्रण में होता है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति आकस्मिक नीति कोष को बिना संसद की स्वीकृति से भी निकाल सकता है। आइए हम पढ़ते हैं आपातकालीन उपबंध यानी कि आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध का उल्लेख है। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन और 1935 के भारत शासन अधिनियम, जर्मनी के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन और 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है भारत का आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है और वो कौन कौन से हैं आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केंद्रीय मंसद की लिखित सलाह पर लिखित सिफारिश पर भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा निम्न स्थितियों में की जा सकती है। कौन कौन सी स्थितियाँ आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला युद्ध, यानी कि किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा हो, बाहरी आक्रमण हो अचानक, या फिर सशस्त्र विद्रोह, देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो रहा है उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल बिना संसद की स्वीकृति के 1 माह तक लागू हो सकता है, यानी कि संसद के बिना स्वीकृति के राष्ट्रीय आपातकाल को 1 माह तक लागू किया जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी चाहिए, यानी कि उससे आगे अगर 1 माह से ज़्यादा तक लागू करना है राष्ट्रीय आपातकाल तो 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदित होनी चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। यदि संसद दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो गया तो आपातकाल 6 महीने तक अस्तित्व में रह सकती है, यानी कि अगले 6 महीने तक फिर से आपातकाल अस्तित्व में रह सकती है। अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। सबसे पहला किया गया था दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 में से 10 जनवरी 1968, 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968, और यह अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया था। उसने भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय, भारत के राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। 3 दिसंबर 1971 से 22 मार्च 1977 के बीच में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा दूसरी बार किया गया था और यह आपातकाल पाकिस्तान के आक्रमण के कारण लागू किया गया था और 26 मार्च 1975 से 21 मार्च 1977 या आंतरिक गड़बड़ी के कारण, यानी कि उसी समय इमरजेंसी लगी हुई थी देश में और इसी कारण आपातकाल लगा हुआ था। अब हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति शासन की, यानी कि अनुच्छेद 356। यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसा प्रतिवेदन देता है, यानी कि ऐसा बताता है, वो उत्तर देता है कि उक्त राज्य का प्रशासनिक संवैधानिक प्रावधान जो प्रशासन संवैधानिक प्रावधान है वो अनुरूप नहीं चल रहा है, यानी कि जो प्रशासन राज्य का उस संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर आपातकाल की उद्घोषणा करता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन संसद के दोनों सदनों में स्वीकृत
होना चाहिए और 2 माह तक लागू रह सकता है। संसद के दोनों स्वीकृति के बिना वह 2 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है। संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति के बाद 6 माह तक लागू रह सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। सर्वप्रथम 1951 में राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब राज्य में लागू किया गया था। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के अनेक अनुच्छेद 360। यदि भारत में आर्थिक संतुलन उत्पन्न हो जाए तो भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के बिना 2 माह तक लागू रह सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति के बाद ये 6 माह तक लागू रह सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों राष्ट्रपति की वीटो पावर, यानी कि जो वीटो शक्ति है राष्ट्रपति की, उनके बारे में बात करते हैं। यानी कि विधायिका किसी ऐसी कार्रवाई को विध बनने से रोकने के लिए राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है जिसे कहते हैं वीटो शक्ति। और राष्ट्रपति को 3 तरीके की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं, आइए उन पर बात करें। सबसे पहला दोस्तों पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो क्या है दोस्तों, तो कहा जाता है कि निर्धारित प्रक्रिया से पास बिल का जब राष्ट्रपति के पास आए, यानी संविधान संशोधन के बिल के अतिरिक्त, संविधान संशोधन का अगर बिल है तो उसे नहीं, उसके अतिरिक्त जो भी बिल हैं वो जब वो निर्धारित प्रक्रिया से पास होकर भी राष्ट्रपति के पास आएँ तो वह अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की घोषणा कर सकता है। किंतु अनुच्छेद 368 यानी कि जो संविधान संशोधन के अंतर्गत कोई बिल आए तो अपनी अस्वीकृति नहीं दे सकता। वहाँ पर जो संविधान संशोधन से अतिरिक्त जो विषय होंगे उस पर वो अपनी अस्वीकृति दे सकता है, कौन, राष्ट्रपति। अब हम बात करते हैं निलंबनकारी वीटो की, तो संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक के अतिरिक्त 2 विधेयक कौन कौन से, आर्टिकल 368 368 के तहत जो संविधान संशोधन उसके अतिरिक्त और धन विधेयक धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। किंतु संसद इस बिल को पुनः पास करके भेज दे तो उसके पास सिवाय उसके विकल्प नहीं है कि उसे स्वीकृति ना दे, यानी कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचता उसके स्वीकृति देने की जब दोबारा उसे संसद पास करके भेज दे रही है। इस वीटो को अपने विवेकाधिकार से प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति, निलंबनकारी वीटो को अपने विवेकाधिकार प्रयोग में ले सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों पॉकेट वीटो की, तो संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृत अस्वीकृत देने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता। यदि राष्ट्रपति किसी बिल का कोई निर्णय ना दे, यानी कि सामान्य बिल या धन या संविधान संशोधन के अतिरिक्त, तो माना जाएगा कि उसने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। यानी कोई निर्णय ही ना दे उस पर तो कहा जाएगा कि उसने अपनी पॉकेट वीटो का उपयोग किया है, या भी उसकी विशेषाधिकार शक्ति के अंदर आता है। पेप्सू बिल 1956 तथा भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का ही प्रयोग किया था। पेप्सू बिल 1956 में और भारतीय डाक बिल 1984 में जो राष्ट्रपति थे उस समय के ज्ञानी जैल सिंह, तो उनके द्वारा पॉकेट वीटो का ही उपयोग किया गया था। ये थी दोस्तों आज की वीडियो हमारी राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।